असलकम स्टूडेंट्स इस सेशन में दो केस स्टडीज़ के ज़रिए से मैं आपको मिशन सेंट्रिक एंड मिशन रिलेटेड सोशल एंटरप्राइज़ की वजाहत करूँगी पहली केस स्टडी हमारी रूरल हेठी से है जहाँ पे किसानों की एक कोपरेटिव ने कम्युनिटी की इकनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको अपना मिशन बनाया है दूसरी केस स्टडी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है जहाँ पे एल्डरली केयर की एक एसोसिएशन है जो बूढ़े लोगों को सोशल सर्विसेज फ्राहम करती है हेटी में पिसान एसोसिएशन के नाम से एक रूरल कोऑपरेटिव है एक फार्मिंग कम्युनिटी है जिसके अंदर किसानों ने अपनी कोऑपरेटिव बनाई है और उनका मिशन है कि वो अपनी कम्युनिटी में रहते हुए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के ज़रिए से किसानों और कम्युनिटी की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करेंगे उनका मिशन है और उनकी सारी एक्टिविटीज़ जो होंगी वो इस मिशन से निकलेंगी इसके दाएं बाएं इधर उधर कुछ नहीं होगा फोकस जो है वो मिशन पर होगा अब वो इस मिशन को कैसे अचीव करेंगे उनकी एक्टिविटीज़ इस तरह से डिज़ाइन होंगी कि वो इस मिशन को अचीव कर सकें इस मकसद के लिए उन्होंने कम्युनिटी की लैंड को पूल करके फार्म बनाए हैं जहाँ पर लोकल तरीके से फार्मिंग की जाती है सस्टेनेबल एनवायरमेंट फ्रेंडली कम्युनिटी को जॉब्स मिलती हैं किसान जो हैं वो मिलकर काम करते हैं जिनके पास ज़मीन है या जिनके पास ज़मीन नहीं है सब किसी न किसी फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको काम मिलता है और उनकी फैमिलीज को लाइवलीहुड जो है वो मिलती है जो फार्म्स की प्रोड्यूस है उसको सेल करने के लिए एक ग्रॉसरी स्टोर बनाया गया है ग्रॉसरी स्टोर में जितनी प्रोड्यूस है वो जिस भी किस्म की हो वो रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हों प्रोसेस्ड फूड हो या और कोई चीज़ें हों वो फार्म की प्रोड्यूस से बनाई जाती और सेल की जाती हैं कम्युनिटी के लिए मज़ीद जॉब्स क्रिएट होती हैं कुछ लोग जो हैं वो फॉर्म की प्रोड्यूस को फिनिश्ड या प्रोसेस्ड फॉर्म में लाने के लिए एंगेज्ड हैं और वो काम करके नई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिससे वो लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है और स्टोर में वो चीज़ें अवेलेबल हैं कम्युनिटी अपने फॉर्म की प्रोड्यूस स्टोर से ख़रीदती है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और लोगों की ज़रूरियात को पूरा करती है तीसरी उनकी प्रोडक्ट जो है वो एक बेकरी है जहाँ पे लोकल रिसोर्स को लोकल प्रोड्यूस को इस्तेमाल करते हुए एडेबल्स जो हैं वो ऑफर किए जाते हैं अगेन जॉब्स की क्रिएशन होती है लोकल रिसोर्स इस्तेमाल होते हैं लोकल प्रोड्यूस जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल तरीके से पैदा की गई है और इस तरह से कम्युनिटी की डेवलपमेंट इकनॉमिक डिवलपमेंट होती है इन अस्टेनेबल वे यानी हर चीज़ हर स्टेप जो किसानों की वो कॉपरेटिव या किसान ऑर्गेनाइजेशन लेती है वो उसके मिशन पर फोकस्ड है उस पर सेंटर्ड है हर एक्टिविटी हर प्रोडक्ट जो है वो मिशन को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम मिशन सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं दूसरी तरफ अयोना के नाम से एक एल्डर केयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं बूढ़े लोग जो अकेले हों किसी वजह से या अपने आप को आफ्टर ना कर सकते हों या उनको लुक आफ्टर करने वाला कोई ना हो एक सोशल एंटरप्राइज है जो उन्हें सर्विसेज़ देती है लेकिन पुअर और ऐसे बूढ़े जिनकी कोई पेंशन नहीं है जिनकी कोई इनकम नहीं है जिनके कोई इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है वो भी डिजर्व करते हैं कि के उनको केयर और उनकी वेलफेयर जो है उसको लुक आफ्टर उनको किया जा सके उनको आफ्टर करने के लिए एयोना के पास फंड्स की कमी है उसे फंड्स जनरेट करने हैं जिनसे वो इन लोगों को सर्विसेज दे सकें इसके लिए अयोना ने अपने मिशन से रिलेटेड एल्डरली केयर उससे रिलेटेड एक और एक्टिविटी शुरू की है और वो क्या है कि जो अमीर वेल well टू डू बूढ़े हैं जिनके अपने इकोनॉमिक रिसोर्स हैं जो अपने लिए सर्विसेज और केयर सर्विसेज को पे कर सकते हैं उनके लिए एक सर्विस शुरू की है चूंकि उनके पास ट्रेंड स्टाफ मौजूद है जो एल्डरली केयर में ट्रेंड है उनके पास इक्विपमेंट मौजूद है उनको काम करना आता है तो वो अमीर जो एल्डरली पॉपुलेशन है उसको टारगेट करके उनसे चार्जेस लेते हैं उनको जितनी वो जिस तरह की लग्जोरियस सर्विस एल्डरली केयर के हैं वो फ़राहम करते हैं और उसी तरह के वो चार्जेस लेके जो उनके पास प्रॉफिट आता है उसको वो अगेन एल्डरली केयर लेकिन पुअर नॉन अफोर्डिंग जो एल्डरली हैं बूढ़े लोग हैं उनकी केयर और उनको लुक आफ्टर करने के ऊपर खर्च करते हैं मतलब उनकी जो सेकंड एक्टिविटी जो रेवेन्यू जनरेशन के लिए या मनी के लिए जो एक्टिविटी उन्होंने की है वो उनके मिशन उनके सोशल वैल्यू जो है यानी एल्डरली केयर के बूढ़े लोगों को केयर मिलनी चाहिए उन्हें लुक आफ्टर किया जाना चाहिए उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए वो उस मनी से वो अपना मिशन जो है उसको पूरा कर रहे हैं तो ये एक एग्जाम्पल है मिशन रिलेटेड सोशल एंटरप्रेन्योर की डायरेक्टली वो फोकस नहीं है दूसरी एक्टिविटी में मिशन के ऊपर वो पैसा कमाने के ऊपर फोकस्ड हैं लेकिन वो पैसा कैसे कमा रहे हैं उसी मिशन के थ्रू जो उनका है वही एक्सपर्टीज़ वही कैपिटल वही स्टाफ यूज़ करते हुए जो उनकी खूबी यखसूसियत है जिस मकसद के लिए वो सोशल एंटरप्राइज बनाई गई है सिर्फ जो बैलेंस है वो मनी के हक में शिफ्ट हो गया है यहाँ पर पर रिलेशनशिप जो है वो मिशन से रहता है तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं जो मिशन सेंट्रिक और मिशन रिलेटेड सोशल एंटरप्राइजेस को एक्सप्लेन करती हैं थैंक यू